पुलिस ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। कमरदीन कारे से बड़ी मकदार में बारूदी मवाद पकड़ा गया। आईईडी से सामान से बड़ा थैला और 6 से 8 किलो के 8 बम शामिल। ये सब बारूदी मवाद अफगानिस्तान से लाया गया था। नारवाल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में बेजाबतियों का इल्जाम। तफ्तीशी टीम ने एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की जेरे सदारत अजलास में आज रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। अकामा केस की तहकीकात ख्वाजा आसिफ की आज फिर टैब लाहौर ऑफिस में पेशी। लीगी रहनुमा को अकामा की कॉपी, मुलाजमत को दीगी दरख्वास्त की कॉपी और दीगर दस्तावेजात साथ लाने की हदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की फैमिली के लिए एक और बुरी खबर। लीगी सदर की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। घर और एहतसाब अदालत के बाहर नोटिस। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंह का मामला। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सईद गनी मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह शामिल। तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी शर्मिंदगी का बायस। कहा गया आपकी हुकूमत खत्म हो सकती है, जवाब दिया इकतदार मेहमान से बढ़कर नहीं है। बाद दबाव वाजिया हो चुका, मामले में मुलव्वस अफराद को बेनकाब किया जाएगा। वजीर आला सिंह।